पैसे वाले तो सब लोग हैं, लेकिन उठाने वाले कोई नहीं। और कम से कम नहीं तो 10,000 लोगों की मिट्टी में हम शामिल रहे। जब घर वाले नाराज होते थे कि तुम क्या लाशें मासे उठा रहे, ब्राह्मण हो के सब बातें हटती, मोहल्ले वाले भी हुआ करते थे, आदमी हमारे हाथ से पानी नहीं पिया करता था, छीन नहीं सकता, दूर रखता था। भारत में हर साल सड़क हादसों में हजारों लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे में हादसे के बाद यदि समय पर मदद मिल जाए तो घायलों की जान बचाई जा सकती है। ऐसे ही लोगों के लिए झांसी के श्याम सुंदर शर्मा किसी देवदूत से कम नहीं हैं। अपनी 70 बरस की जिंदगी में श्याम सुंदर ने अनेकों लोगों की जान बचाई है, उन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाकर मुफ्त इलाज करवाया है। पैसे वाले तो सब लोग हैं, लेकिन उठाने वाले कोई नहीं। और कम से कम नहीं तो 10,000 लोगों की मिट्टी में हम शामिल रहे। लेकिन आने वाले समय में जब हमारे पास वैल्यूकेशन बड़ी सब काम हुआ, तो आज तुम सब लोग कहने का मतलब, झांसी में 350 एम्बुलेंस हैं। जब उन्हें शिक्षा दीक्षा दी कि इससे बड़ा काम हो नहीं सकता, इससे बड़ा कार हो सकता है। हाँ, आज एक मरीज को लाए लेडीज़ को गाड़ी से, तुम सब लोग उसको इलाज मेडिकल कॉलेज में छोड़ा, उसका इलाज चालू हो गया, उसके बाद यहाँ आ गए। ऐसे रोज आना एक मरीज को लाते हैं। ये तुम सब लोग कहने मतलब ज़्यादातर दुर्घटना होती है लापरवाही में, शराब पीने वाले के साथ। अच्छा, वो नहीं मरती, कहने मतलब जो बगल में बैठा होता है उसकी महिला वगैरह, वो ख़त्म हो जाती है ज़्यादातर। ये हमने देखा है, उसने गाड़ी घुमाई तो पीछे से जो झला तो वो लेडीज गिर गई, उसमें दुर्घटना में जी ख़त्म हो जाती है। गाड़ी वाला तो अपने रफ्तार से चलता है, तो मोटरसाइकिल वाला आता वो जबरी घुस जाता है। श्याम सुंदर ने बताया कि सन 1985 में जब वह टेम्पो चलाते थे, तो उन्होंने हाईवे से गुजरते वक्त सड़क दुर्घटना में घायल हुए एक व्यक्ति को तड़पते देखा। आसपास गुजरने वाली गाड़ियां रुक नहीं रही थीं। इसके बाद श्याम सुंदर ने अपने एक दोस्त की मदद से उस व्यक्ति को टेम्पो में बिठाया और इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में लेकर आए। उस व्यक्ति की जान बच गई। इसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वह आज तक जारी है। अनेकों घरों के चिरागों को बुझने से बचाने का काम श्याम सुंदर कर चुके हैं। ये सन 85 मार्च से कर रहे हैं। हमारे पास टेम्पो था, एक मरीज तुम चलो घायल पड़ा हुआ था एक्सीडेंट में, कोई उठाने वाला नहीं था उसको। उस दिन जिस दिन हम गाड़ी लाए थे उसी दिन उसको उठाया और मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। उसके बाद तुम हम आए, दो तीन चार दिन बाद आए तो एक माँ और पिता अपनी बेटी को लिए बैठा था, समझ रहे। उसकी मिट्टी कोई नहीं ले जाने को तैयार थी। पहले ज़्यादातर हिंदू काम नहीं करते थे, मुसलमान करते थे, तो वो ले जाने उनके पास पैसा नहीं थी। तो हमने कहा भाई साहब चलो हमारे साथ आप रखिए। उस दिन से ये प्रेरणा मिली है कि हम जितना भी लावारिस होगा उनका अंतिम संस्कार करेंगे, जो मरीज होंगे उनकी देखभाल करेंगे, सत्कार करेंगे। 40 बरस में कम से कम नहीं तो 1,000 मरीजों का हमने इलाज करा चुके थे। श्याम सुंदर कहते हैं कि अधिकतर सड़क दुर्घटनाएं चालक की लापरवाही से होती हैं। लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं और अपने साथ साथ अन्य लोगों की भी जान को खतरे में डाल देते हैं। उन्होंने अक्सर देखा है कि जो व्यक्ति शराब पीता है वह तो बच जाता है, लेकिन उसके साथ गाड़ी में बैठे लोग जान से हाथ धो बैठते हैं। इसी तरह हेलमेट लगाकर ना चलने वाले लोग भी पूरे परिवार के दुख का कारण बन जाते हैं।